झाड़ू जैसे फूले फूले बाल लगते हैं, स्पेशली हेयर वॉश या शैम्पू करने के बाद तो आपके बाल ऐसे फ्रिजी हो जाते हैं। तो आज आपके साथ एक ऐसा रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आपके फ्रिजीनेस कम होगा, ड्राइनेस कम होगा, बालों में हेल्थ आएगा, बाल हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, टूटने झड़ने की जो प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं उससे आपको आजादी मिलेगी। एक और चीज, आपको सिर्फ अपने शैम्पू को, अपने बालों में शैम्पू जो हम यूज करते हैं ना, उसका आपको तरीका चेंज करना है। देखो, सिंपल सी एक चीज है कि हम जो चीजें यूज करते हैं उनको चेंज करने के लिए हम रेकमेंड करते हैं। अगर आप किसी पैराबिन वाले शैम्पूज को यूज कर रहे हैं तो बोला जाता है कि SLS और पैराबिन फ्री शैम्पूज यूज करें, आपके बालों में फ्रिजीनेस कम हो जाएगा, ड्राइनेस कम हो जाएगी, लस्टर एंड शाइन आ जाएगा। लेकिन उन प्रोडक्ट्स को अगर आप ले भी लेते हो तो उनका अगर तरीका सही नहीं है ना, तो आपके बालों में या आपकी स्किन पे कोई असर नहीं होगा। बहुत लोगों का ये तरीका होता है, डायरेक्टली शैम्पू का बॉटल लेते हैं, उस शैम्पू को डायरेक्टली सिर पे डालते हैं और उसके बाद खूब सारा फोम बनाते हैं और उसके बाद हेयर वॉश करते हैं। ऐसा एक नहीं, दो दो बार करते हैं। कुछ फीमेल्स को तो मैंने सुना है वो ये कहते हुए कि बालों में से ऑयल नहीं निकलता है तो इसलिए हम दो दो बार ही शैम्पू करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, शैम्पू आपकी स्किन, आपके बालों से जो नेचुरल ऑयल है उसको खींच के बाहर निकाल देता है, और अगर वो पैराबिन वाला शैम्पू होगा, केमिकल वाला होगा, तो बिल्कुल ही ड्राई आउट कर देगा आपके बालों को। तो आज आपको वही बताऊंगी कि शैम्पू करने का सिर्फ आपको तरीका बदलना है। डायरेक्टली शैम्पू की बॉटल, चाहे आपका शैम्पू पैराबिन वाला है या फिर पैराबिन फ्री वाला है, आप उसको डायरेक्टली सिर पे बॉटल इस तरह से ना डालें या हाथ में डाल के इस तरह से मत लगाइए। आसान सा तरीका, बट एक जेन्युइन सी चीज है, एक ऐसा वे है जिससे कि आपके बालों में बहुत अच्छी हेल्थ आपको खुद को नजर आएगी। तो चलो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें डाला है एक ग्लास पानी। बहुत ही सिंपल सा रेमेडी करूंगी बट बहुत यूजफुल है। उस पानी को उबलने देना है। इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच ही मेथी दाना। मेथी दाना में निकोटेनिक एसिड होता है, टूटते झड़ते बालों के लिए बहुत अच्छा है। हर तरह से मैं इसको यूज़ करती हूँ, आपके साथ रेमेडीज शेयर करती हूँ। और आप आजकल खुद मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि मेरे बाल बहुत घने लग रहे हैं तो उनका क्या रीज़न है, तो बस यही होम रेमेडीज़ उन सब का रीज़न है। साथ में उन्होंने एक चम्मच ही कलौंजी इसमें ऐड किया है। कलौंजी काला जीरा नहीं होता, कलौंजी ब्लैक सीड्स होते हैं, ईजिली मार्केट में मिलते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आपको उबालना है, और इसको आपको तब तक उबालना है जब तक कि जो मेथी दाना है ना फूल नहीं जाता। पानी उबलते उबलते वो फूल जाएगा, उसके बाद आप फ्लेम को बंद कर दो और इसको रूम टेम्परेचर पे आने दो। आज जो मैं ये रेमेडी बना रही हूँ ये एक बार के लिए बनाकर आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप इस पानी को स्टोर करके 10 दिन तक रख सकते हो। उसके बाद मैंने इसको फ्लेम को बंद कर दिया, और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो आपको इसको छान लेना है। छान के आपको बेसिकली इसका पानी यूज़ करना है, और जो ये दाने बच गए हैं इनको आप ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर भी अपने बालों में लगा सकते हैं, दही में डालकर, वो आपका हेयर पैक बन जाएगा। अब इस पानी को हम यूज करेंगे, इसी पानी की मैं बात कर रही थी कि आप 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमें चाहिए दो चीजें, एक आपका कोई भी रेगुलर शैम्पू, अगर आप हर्बल शैम्पू लेते हैं तो बहुत अच्छा है, साथ में विटामिन ई कैप्सूल। मैं खादी का आर्गन ऑयल शैम्पू यूज करती हूँ या फिर कोई भी खादी का शैम्पू यूज करती हूँ, बट बेसिकली मैं खादी ही यूज करती हूँ। मैंने डायरेक्टली मग में 1 से 1.5 चम्मच शैम्पू डाल लिया है, और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 विटामिन ई कैप्सूल, क्योंकि मैंने आपको ये बताया स्टार्टिंग में कि आप अपना शैम्पू करने का तरीका बदलिए। तो शैम्पू करने का सही तरीका ये है कि आप मग में पहले शैम्पू को डालो, उसके बाद आप कोई भी नरिशिंग चीज़ डालिए, जैसे कि कैस्टर ऑयल हो गया कुछ बूंदे, या विटामिन ई ऑयल हो गया, उसके बाद आप उसमें पानी ऐड करो। ये तो आज मैंने आपके साथ एक रेमेडी बनाई है, मेथी दाना और कलौंजी का पानी है। नहीं तो अगर आप ये नहीं भी बनाते हो ना, तो नॉर्मल ही पानी जो है वो आप ऐड करो। तो जो पानी बनाया था वो डाल दिया, उसके बाद नॉर्मल हमारा घर का पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, पूरा मग ये बनकर तैयार हो गया। अब बालों को ऑपोजिट साइड में नीचे की तरफ करिए, उसके बाद पूरे बालों पे ये डालिए, इसको डालिए, और इसको अच्छे से आप बालों को इससे क्लीन करिए। अब आपको शैम्पू जब भी करना है इस तरह से शैम्पू करिए, आपके टूटते झड़ते बालों से आपको आजादी मिलेगी, आपके बाल हेल्दी होंगे, आपको जो बालों में बहुत ज्यादा ना रूखे सूखे फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है ना उससे छुटकारा
छुटकारा मिलेगा। बस यही एक तरीका है शैम्पू सही करने का कि शैम्पू को डायरेक्टली हेड पे नहीं लगाना है, उसको इस तरह पानी में डाइल्यूट करके आप यूज़ करें, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आपके बाल इतने घने, इतने शाइनी, इतने सिल्की होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बस अपने शैम्पू करने का तरीका बदल कर देखो, आपके बालों में बहुत फ़र्क आएगा। टूटने झड़ने से तो आज़ादी मिलेगी ही मिलेगी, और जो कलौंजी यूज़ की है उससे प्री मेच्योर ग्रेइंग से भी आज़ादी मिलेगी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आसान सा रेमेडी है और सिर्फ आपको तरीका बदलना है। इस तरीके को बदल कर देखो, मैं गारंटी करती हूँ एक बार में ना, पहली बार में ही आपको आपके बालों में बहुत फर्क नजर आएगा। और हाँ, अगर आपके बालों में पहले से ऑयल लगा हुआ है और आपने शैम्पू किया है और ऑयल नहीं निकला है, तो उसको बार 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 शैम्पू करके निकालने की कोशिश मत करो। ऐसा आपको अपने बालों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत शैम्पू रह जाता है, नेचुरल वो कंडीशनिंग का काम कर देगा, लेकिन बार 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 शैम्पू उसको तुरंत उसी टाइम पे करना ठीक नहीं है। और हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार शैम्पू जरूर कीजिए, इसलिए रिकमेंड करती हूँ माइल्ड शैम्पू का यूज करें। बाल अगर जरूरत से ज्यादा गंदे होंगे ना, तब भी बहुत टूटते हैं, झड़ते हैं, ड्राई होते हैं, तो इट्स बेटर 2 से 3 बार करो। शैम्पू करने से पहले थोड़ा सा ऑयल जरूर लगाओ और जो रेमेडीज आपके साथ शेयर करती हूँ उनको यूज करो। अगर वीडियो पसंद आया है और अगर आप मेरी वीडियोस को यूज करते हैं, मेरी रेमेडीज को यूज करते हैं और उनको फायदा मिलता है, तो अपने फीडबैक्स मेरे साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि मुझे आपके फीडबैक्स, आपके कॉमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। तो चलो, थोड़ा सा भी अच्छा लग गया तो लाइक एंड शेयर करते हुए जाइएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।